हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एल्युमिनियम सेंटर पॉइंट। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे नेट कैसे फिटिंग होता है। एक एल्युमिनियम का ट्यूब है, हम लोग यहाँ पर ट्यूब बोलते हैं, 1x1.5 इंची का है। ये देखिए कैसे कटिंग होता है और इसमें दागी कैसे मारा जाता है, उस वीडियो में आप लोग का पूरा मिलेगा देखने का। हाय फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंच जाए। अभी देखिए फ्रेंड, देखिए कैसे दागी मारा जाता है और कटिंग कैसे किया जाता है। कटिंग आप लोग, हम तो ग्राइंडर मशीन से कर रहे हैं, आप लोग हेक्सो फ्रेम से भी कर सकते हैं, चाहे आप लोग कैसे करेंगे। आप लोग ज़्यादातर ग्राइंडर मशीन से हम करते हैं, आप लोग चाहेंगे तो हेक्सो फ्रेम से भी अच्छा होगा। ग्राइंडर मशीन चलाने में थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए आप लोग देखिए और समझिए दागी कैसे मारा जाता है। और ये जो मार्कर का है उसको ढक्कन लगा कर रखिएगा, नहीं तो क्या होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए हम काट कर दिखा रहे हैं और फ्रेम लगा कर दिखाएंगे। इस वीडियो में आप लोग का पूरा मालूम चल जाएगा नेट कैसे फिटिंग होता है। ये जो है आप लोग का जगह, मतलब है कि यहाँ खाली जगह था, वहाँ पर पहले से खिड़की लग गया था, उस जगह पे हम ये खिड़की लगाएंगे। और ये जो नेट है, नेट फिटिंग करके हम बाहर बाहर इसको हम फिटिंग कर देंगे। अभी देखिए कटिंग करना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें अगर चार्जेबल मशीन है तो इजीली आप लोग का स्क्रू कसा जाएगा, थोड़ा ये पतला होता है। आप लोग इसे छोटा भी लगा सकते हैं, हमारा बड़ा है, 4.5x7.5 फुट है। इसका हाइट 4.5 फुट और लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है हमारा 7.5 फुट। थोड़ा एक दो स्क्रू इधर मिस हो जाता है, बाकी सब इजीली हो जाता है। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, कुछ ना कुछ अलग तो देखेंगे ही सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखिए कैसे काम करते हैं, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अभी देखिए स्क्रू कसना कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम आप लोग को नेट लगा कर दिखाएंगे। और देखिए इस नेट में हम 4-4 इंची 5-5 इंची पर स्क्रू कस रहे हैं। आप लोग, ये कम बजट का काम था और आप लोग चाहेंगे तो इस पर बीटिंग भी कर सकते हैं, बीट करने से और मजबूत हो जाएगा, लेकिन हम इस पर बीटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले से जो ऑलरेडी काम हुआ है उसमें बीटिंग नहीं किया हुआ है, इसलिए हम लोग भी इस पर बीटिंग नहीं करेंगे। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए हम नेट जो है थोड़ा हम 2-3 इंच 1 इंच करीबन बड़ा काट रहे हैं। काटने का वजह होता है कि नेट का जो लाइनिंग होता है उस लाइनिंग में काटते हैं, नहीं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम देता है। अगर हम इसको तिरछा काट देंगे तो फिर इस साइड से कसने से हमारा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम एक लाइन में काट देते हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा कैसे क्या करते हैं, मतलब इस लाइन को हम थोड़ा उल्टा करेंगे तो यहाँ पर जो शुरुआत में नेट कसे हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आप लोग नेट अगर लगाते हैं तो एक लाइनिंग में काटिएगा नेट, तब कुछ दिक्कत नहीं होगा नेट टाइट करने में, चाहे कुछ भी करने में। देखिए अभी टाइट करके स्क्रू कस रहे हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको हम ग्राइंडर से काट देंगे।
हाय फ्रेंड्स, ये देखिए नेट लगाना हमारा कंप्लीट हो गया अभी। उसके बाद देखिए ये जो नेट बड़ा हो गया है उसको हम काट के हटा दे रहे हैं। इजीली देखिए कैसे कट जा रहा है ग्राइंडर मशीन से। उसमें लाइनिंग नहीं मिलेगा, ये लाइनिंग जो है कुछ इधर उधर मिलेगा, इसलिए कैंची से के वजह हम ग्राइंडर मशीन से काट दे रहे हैं। ग्राइंडर मशीन से जल्दी कट जा रहा है, नहीं तो फिर कैंची से काटने में हमको बहुत टाइम लगेगा। देखिए उस साइड जहाँ पे हम बड़ा नेट काटे थे उस साइड भी थोड़ा सा हम काट दे रहे हैं। अगर हम इसके लेवल में काटते तो हमारा इधर में प्रॉब्लम हो जाता, वो लाइनिंग नहीं मिलता। अब फ्रेंड नेट कसने के बाद हम इसी में डायरेक्ट होल पास मार दे रहे हैं और जहाँ पर खिड़की है वहाँ पर ले जाके डायरेक्ट इसको फिटिंग कर देंगे, ताकि हमारा वहाँ पर नेट कसने में थोड़ा प्रॉब्लम होता, इसलिए हम नीचे नेट कस के होल पास करके सब रेडी कर दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाकर ये देखिए कैसे लगा दिए हैं। लगाने के बाद देखिए कैसा लग रहा है। अभी तो स्क्रू टाइट कर देने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी लग रहा है कि जैसे कि बीट हम लोग मार दिए हैं, लेकिन इस पे हम बीट नहीं मारे हैं। हाय फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे YouTube पर आप लोग का दोनों मेथड मिलेगा देखने के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग एल्युमिनियम का काम सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।